ग्लू पिन में डाल देते हैं अगर हम डोर ओपन ना करें। अभी प्रॉब्लम ये है कि इन बॉटल्स को बाय बाय कहना होगा। पार्सल आया शीन से। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? तो अभी सुबह का टाइम है और सुबह जब मैं उठती हूँ ना, सबसे पहले मैं देखती हूँ कि कोई मेल आई है, कोई लेटर, कुछ भी ऐसा। तो मेरा सबसे पहला सुबह सुबह का यही काम होता है। मेरे ना पार्सल आए हैं और ये लोग ब्लू बिन में डाल देते हैं अगर हम डोर ओपन ना करें। वही लेने आई हूँ मैं। पार्सल आया शीन से। चलें जी, इतनी ठंड है। ये देखिए जी, आज सही ठंड है एज यूजुअल। मैंने कहा पता नहीं किसका पार्सल आ गया, काफी मंगवाए मेरे। सबसे पहले काम होता है बॉटल्स भरने का। अभी प्रॉब्लम ये है कि इन बॉटल्स को बाय बाय कहना होगा। पानी ठंडा हो जाता है बहुत ज्यादा, आंखें नहीं खोली। आज के नाश्ते में थे ओट्स और उसके साथ बॉयल्ड एग्स और चाय। और आज मैंने व्लॉग वीडियो नहीं बनाई नाश्ते की, क्योंकि सिंपल सा नाश्ता था तो ये नाश्ता हमने किया था। अच्छा जी, उसके बाद मेरा जो है ना वो आज बहुत इंपॉर्टेंट काम ये था कि मैंने गर्मियों के कुछ कपड़े तो रख दिए थे जो पाकिस्तानी ड्रेसेस होते हैं, लेकिन कुछ जो घर में मैं पहनती हूँ ना वो मैंने अब सारे समेटने थे, रखने थे। क्योंकि ज़ाहिर है वेदर चेंज होता है तो हर चीज़ चेंज होती है, बहुत सारी चेंजेस आती हैं। तो मैंने कहा चलो ये मैं रख लेती हूँ। अभी मैं इंशाल्लाह ताला कुछ शॉपिंग भी सर्दियों की करूँगी, कुछ चीज़ें भी मैंने लेनी है। तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ कि आज मैं अपने कपड़े सारे निकाल के समेट लेती हूँ और फिर मैं इंशाल्लाह ताला एक दो दिन बाद उस्मान के भी कर लूँगी। अभी क्या हुआ हुआ है कि सारे ना मिक्स हुए हुए हैं, जो समर के या मिड समर के होते हैं, जो विंटर के तो पूरे नहीं मैंने अभी निकाले, लेकिन फिर भी सब मिक्स हुए हुए हैं। तो आज मैंने अपनी सारी कबर्ड साफ़ की, क्लियर की, और उसके बाद फिर ये मैं सर्दियों में जो है ना घर में पहनती हूँ। यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, हीटिंग ऑन आप जितनी भी करें लेकिन ठंड लगती है। अब 24 घंटे तो हीटिंग ऑन नहीं होती है। आजकल तो यहाँ पे बिल्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, यहाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है, इवन के बिल्स भी। अच्छा जी, तो ये मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो बुरा आ जाती है ये मैंने लास्ट ईयर लिया था, तो मैं इसको अभी सारा साफ़ कर रही थी और ये इतनी बुरी लगती है ना। और ज़रूरी आती है, मोस्टली कपड़ों पर या स्वेटर्स पर इस तरह से ये आ जाती है। खैर, ये मैं अभी जब काम करने लगी तो मैंने कहा मैं देख लेती हूँ जिन जिन कपड़ों पे ये है, तो ये मैं सारी साफ़ कर लेती हूँ। ये मैंने छोटा सा मंगवाया था तो ये अब मैं सोच रही हूँ मैं बड़ा वाला ले लूँ। मैंने टेस्ट करने के लिए, ट्राई करने के लिए छोटा मंगवाया था, बहुत ही काम की चीज़ है, लेकिन ज़ाहिर है अगर आप बड़ा वाला लेते हैं तो आपका टाइम बहुत बच जाता है। खैर, अभी तो गुजारा हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला सोच रही हूँ कि शायद मैं बड़ा भी ले ही लूँ। अच्छा, ये दराज से भी मिल जाता है, हर जगह से मिल जाता है, ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ यहाँ से मिलती है, पाकिस्तान में भी आराम से मिल जाता है और हर साइज का मिल जाता है। ये देखें जी, ये बस मैं साथ साथ कर रही थी और अभी जो है ना ये सारा काम मेरा हो गया। उसके बाद अब मैं तैयारी करने लगी हूँ आज खाने की। आज मैं बहुत ही मज़ेदार से सैंडविचेस बना रही हूँ। अगर आपको सबवे के सैंडविचेस पसंद है ना, फिर तो आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और आज इतने माशाल्लाह से अच्छे बने थे कि आज उस्मान ने इतनी तारीफ़ की, इतनी तारीफ़ की। हालांकि वो सबवे के सैंडविचेस इतने शौक से नहीं खाते हैं, लेकिन आज तो माशाल्लाह से वो तारीफ़ कर कर थक नहीं रहे थे। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ले लिया चिकन, और चिकन जो है ना वो आप देखें मैंने इस तरह से बोनलेस ले लिया था, फ्रीज़र से निकाल के इसको थोड़ी देर पानी में डिप करके रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको छोटा छोटा काट लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन पाउडर, गार्लिक पाउडर जो होता है। उसके साथ मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ टिक्का मसाला, क्योंकि ये आप कोई भी फ्लेवर में बना सकते हैं, पेरी पेरी बना सकते हैं, मुझे टिक्के वाले ज़रा अच्छे लगते हैं तो वो मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा लेमन जूस डाला है, अगर नमक आपको कम लगता है, वैसे तो चाट मसाले में या टिक्के मसाले में होता है, तो मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। और बस इसको मैं यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और थोड़ा सा मैंने और डाल दिया था टिक्का मसाला, मुझे लग रहा था थोड़ा सा कम है। आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने सबवे के सैंडविचेस खाए हो तो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते। और मैं इसमें अभी अलापिनोस भी डालूंगी तो फिर ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा नहीं, बस इतने स्पाइसेस ठीक हैं। थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड कर दिया और बस इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा, आप इसको मैरिनेट करके रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन मैंने कोई इतना ज़्यादा नहीं रखा था,
मैंने फौरन ही बना लिया था। एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया, ऑयल मैंने चिकन में भी डाला था, इसको बहुत ऑयली नहीं करना तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। और उसके बाद मैंने चिकन को थोड़ा सा इसमें पका के और ढक के रख दिया था, लिड मैंने रख दी थी, कवर कर दिया था। तो ये इतनी देर में जब गल जाएगा तो मैं बाकी तैयारी कर लूँगी, अभी आपको मैं दिखाती हूँ। अच्छा, ये इतने मज़े के बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं। और आपको जो है ना, आप बाहर जाते हैं आपको पता है इतने सस्ते नहीं मिलते, काफ़ी महंगे मिलते हैं, लेकिन आज जो मैंने घर में बनाए थे ना, ये उससे भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल के, प्रो लेवल के मज़े के बने थे, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये वाले जो सैंडविचेस होते हैं ना, इनका ये है कि ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं डलती है। अच्छा, चिकन को मैंने ढक के रख दिया था, जितनी देर में वो सॉफ़्ट होगी, क्योंकि पानी भी अभी वो रिलीज़ करेगा, तो इतनी देर में मैंने कहा कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं सारी चीज़ें बराबर कर लेती हूँ। तो ये हैं अलापिनोज, मुझे इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो ये आप ज़रूर ऐड किया करें, इससे बड़ा मज़े का चटपटा सा टेस्ट आता है। साथ मैंने ऑलिव्स भी निकाल लिए, और ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर में रखूँ, ख़त्म ना होने दूँ, क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ में, बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होते हैं। एक बार अगर आप बॉटल ले लेते हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे बहुत सारे मेरे व्यूवर्स पाकिस्तान से देखते हैं, तो महंगाई काफ़ी हो गई है, लेकिन ये है कि अगर आप एक बार ले लेते हैं तो काफ़ी चल जाती है आपकी, क्योंकि इस तरह की डिशेस बनती रहती हैं, लेकिन रेगुलर तो नहीं बनती हैं डेली बेसिस पे, लेकिन बनती रहती हैं। तो आप घर में ही बना के तब भी आपका बजट डिस्टर्ब नहीं होता, बहुत ही बजट फ्रेंडली, आप रेस्टोरेंट स्टाइल के, आप कैफेज में जो चीज़ें मिलती हैं, रेस्टोरेंट्स में बाहर जो भी मिलती हैं, आप उस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली, और मैंने ऑलिव्स को काट लिया क्योंकि कट हुए हुए नहीं थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज तो पानी में भिगो के रख दिए थे, थोड़ा सा नमक डाल के ठंडे पानी में भिगो दिए थे। टमाटर और आइसबर्ग जो होता है ना, लेटस, उसको मैं काट रही हूँ। अच्छा, इसमें बंद गोभी मत डालिएगा, क्योंकि अंडे वाला बर्गर बन जाएगा, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है देसी टच का। तो इस तरह जो आप बनाएंगे ना, इसमें लेटस ही डालिएगा, उसका टेस्ट बहुत ही कमाल का आता है। अच्छा, चिकन को मैं साथ साथ देख रही थी, अब उसके बाद मैं इसकी सॉस रेडी करूँगी। वैसे तो अगर आप जाते हैं, आपने देखा होगा जो सबवे पे जाते हैं या कहीं भी आप सैंडविचेस वगैरह खाते हैं, तो वो उन्होंने सॉसेस की बॉटल्स रखी होती हैं, और वो आपसे पूछ पूछ के डाल रहे होते हैं कि कौन सी आप डालेंगे, कौन सी नहीं डालेंगे, तो आप अपनी मर्ज़ी से डालते हैं। लेकिन यहाँ मैं सॉस रेडी कर रही हूँ ताकि एक ही साथ रेडी हो जाए, क्योंकि मैं जब जाती हूँ ना सबवे पे, मैं सारी सॉसेस डलवाती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, केचप ले लिया है, चिली सॉस ले लिया है, उसके साथ मैं मायो डाल रही हूँ। मायो जो है ना, मेरे पास ये लाइट वाला, आपके पास कोई भी आप यूज़ कर लें। और उसके साथ मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी मस्टर्ड पेस्ट, और मस्टर्ड पेस्ट से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, इससे फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है और इसी का आने लग जाता है। तो मैंने, आप देखें, बिल्कुल ही 1/4 teaspoon डाला है। थोड़ी सी इसमें काली मिर्चें डाल दें और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो और थोड़ी सी लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वही बात है ना, फिर किसी भी चीज़ का टेस्ट अगर बहुत ज़्यादा आप शार्प कर देते हैं तो वो फिर वो चीज़ का मज़ा ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा मैंने मायो और ऐड किया, मुझे लग रहा था थोड़ा सा कम है, और बस इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। नमक और चीनी यहाँ की चीज़ों में और यहाँ की सॉसेज में, केचप में बहुत कम होते हैं, तो इसलिए मैंने जो है ना इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया। ये देखें जी, ये रेडी हो गया। कंसिस्टेंसी आप चाहें तो इस तरह रखें, अगर आप चाहें तो 1-2 tablespoon teaspoon पानी के डाल दें, जैसे आपको पसंद है आप बना सकते हैं। अच्छा, अब जो बर्गर बन है ना, ये मैं लेकर आई थी, और ये इसी के लिए ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये हर्ब्स और चीज़ वाले हैं। तो ये देखें, ये इतने मज़े के थे, फर्स्ट टाइम मैं लेकर आई थी और ये मुझे बहुत बहुत अच्छे लगे। ये देखें जी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने यहाँ पे तो आल्डी से लिए थे, आप कहीं से भी ले सकते हैं, प्लेन भी ले सकते हैं, क्योंकि आप जब भी सैंडविचेस लेते हैं, खाते हैं, तो ब्रेड जो है वो ऑप्शन होता है आपके पास कि कौन से वाली आप ब्रेड लेंगे। किसी को प्लेन पसंद होती है, किसी को इटालियन पसंद होती है, किसी को हर्ब्स में, चीज़ में, तो जो आपको अच्छी लगती है आप उसके साथ बना सकते हैं। चीज़ों को इंजॉय किया करें, कभी भी चीज़ों को लिमिटेड ना किया करें अपने लिए। हर बंदे का टेस्ट चेंज होता है, हर बंदे की चॉइसेस डिफरेंट होती हैं, तो जैसे आपको अच्छा लगता है आप उसी तरह से बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। अच्छा जी, अब मैंने इसको हल्का हल्का सा यहाँ पे टोस्ट कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही हल्का सा। उसके बाद मैं यहाँ पर सॉस डाल रही हूँ, और ये जो है ना बहुत ही मज़े की लगती है, इससे बहुत ही टेस्ट ना बूस्ट हो जाता है। तो आप, मैं इसलिए कह रही थी कि आप एक साथ ही बना लें अगर, तो बार बार आपको सॉसेस डालने का फिर ये है कि बचत हो जाएगी आपकी। अच्छा, अब ये चिकन देखें, चिकन भी रेडी हो गया है। हम जब जाते हैं ना सबवे पे, तो आपको पता है वो इतना थोड़ा सा चिकन डाल के देते हैं, तो घर में तो आप भर भर के डालें फिर भी आपका बजट डिस्टर्ब नहीं होता, बड़ा मज़े का रेडी होता है।
चिकन डाल दिया, उसके ऊपर मैंने प्याज डाल दिया, और अब जितनी भी मैंने ऑलिव्स और अलापिनोज और उसके साथ जो मैंने टमाटर लेटस ये चीज़ें काटी थी ये सारी मैं डाल रही हूँ, लेयर्स में मैं डाल रही हूँ। तो ये आपको जितनी पसंद हो आप डाल सकते हैं। अगेन हम जब जाते हैं तो अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कराते हैं, तो इसीलिए मैं आपको साथ साथ ये बता रही हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा चीज़ों को कर सकते हैं, जो चीज़ जितनी पसंद है। अब जैसे मैंने अपने लिए सैलड काफ़ी ज़्यादा डाला था, उस्मान के लिए मैंने थोड़ा सा चिकन ज़्यादा डाला है, तो ये आपके अपने टेस्ट पे होता है, आपको जैसे पसंद हो। अच्छा, सॉस डाल दी, और एंड में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मायो। मायो उस्मान को बहुत अच्छा लगता है, लो फैट में है, तो इसलिए मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाएं इंजॉय करें। तभी तो उनको इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, 100 बार तारीफ़ की होगी, और फिर नेक्स्ट डे भी वो बार बार कह रहे थे कि कल क्या बनाया था, इतना मज़े का मज़ा आ गया था। बल्कि वो मुझे कह रहे थे फिर बनाओ, तो मैंने कहा अभी तो हमने खा लिए हैं और फिर इंशाल्लाह ताला कुछ दिन के गैप से मैं बनाऊँगी। अच्छा, फ्राइज़ मैंने बना लिए हैं उस्मान के लिए, और ये देखें जी, ये मैं अब इसको डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा बना था, और जब आप मेहनत करते हैं ना, आपके घर वालों को अच्छा लगता है, इवन कि आपको ख़ुद अच्छा लगता है, तो फिर आपका दिल खुश हो जाता है, मेहनत आपकी वसूल हो जाती है। ये देखें जी कितना मज़े का हमारा सैंडविच रेडी हो गया है। आप इसको बर्गर कहें, सैंडविच कहें, लेकिन ये आप एक बार बना के खाएँगे, इंजॉय करेंगे ना, आपको मज़ा ना आया ना, तो फिर पैसे वापस। तो ये देखें जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक। और एक और चीज़ भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैं लेकर आई थी ये पहली बार ट्राई करने के लिए, तो मैंने कहा आज इसको भी ट्राई कर लेते हैं। हॉट चिली सॉस है, क्योंकि यहाँ पे हॉट चीज़ें जो है ना वो प्रॉपर हॉट नहीं होती पाकिस्तान जैसी, तो ये मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। आप में से कोई भी यूज़ करता हो बताइएगा, ये मैक्सिकन स्टाइल में है हॉट चिली सॉस। तो बस ये सारे काम हो गए, उसके बाद रात के टाइम हम जो है ना फिर बैठे थे, थोड़ी सी मूवी देख रहे थे, तो उस्मान ने चाय बनाई, और साथ ही हम केक लेकर आए थे। तो वो केक जो है ना, जब भी ये वाला लाते हैं ना, थोड़ा सा इसको ओवन में वार्म करते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।